गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स का एरे बना सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो उसका नाम मैं रख देता हूँ TU25.cpp, और मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगा देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, जूम इन करके। गैस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट, तो इसको यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लें, और यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अब करूँगा क्या कि आप लोगों को बताऊँगा कि एरे कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी क्लास बना लेता हूँ। और मैं एक बहुत ही देसी सा, देसी तो नहीं एग्जाम्पल है, लेकिन एक बहुत ही टिपिकल सा एग्जाम्पल है एम्प्लॉई का, और वो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा और उसकी मदद से सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो एक इंट आईडी ले लेते हैं एम्प्लॉय में, और एक और क्या ले सकते हैं, इंट सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर कुछ पब्लिक मेंबर्स बना देते हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहले तो वॉइड सेट आईडी लिख देंगे। और उसमें हम लोग क्या करते हैं सेट आईडी के अंदर, कि हम लोग कह देंगे कि एम्प्लॉय की आईडी कुछ सी आउट से हम लोग लेना चाहेंगे, तो दी आईडी ऑफ एंटर आईडी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो फिर, सी इन, और उसके बाद आप आईडी कर सकते हो। और सी इन आईडी कर दिया आपने, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट आईडी, सी इन आईडी कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा वॉइड गेट आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट दी आई डी ऑफ दिस एम्प्लॉई इज, और लिख दूंगा यहाँ पर मैं आई डी एंडल आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और करना चाहूँगा, जो सैलरी है एम्प्लॉय की, जब भी आई डी सेट कर रहा हूँ तब मैं 122 रुपये सैलरी हर एम्प्लॉय की सेट कर दूंगा। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। तो अगर हम लोग एरेज बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो वो हम किस तरह बनाएंगे, एक बार यहाँ पर बताता हूँ। क्लास के बाद सेमी कोलन आप लोग लगा लें इस तरह से, वरना आप लोगों को सिंटैक्स एरर मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय हैरी रोहन लविश और श्रुति। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चार ले लिए, हैरी रोहन लविश और श्रुति। ठीक है, और ये चार एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी के, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैरी डॉट सेट आईडी कर दूंगा। ठीक है, और लिख दूंगा यहाँ पर हैरी डॉट गेट आईडी। और अगर मैं ऐसा करूँगा और इसको रन करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये रन हो रहा है। वन मैंने डाला, उप्स मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था क्लिक करके, वन मैंने यहाँ पर डाला, ये आईडी ऑफ दिस एम्प्लॉयज़ वन। ठीक है, आईडी ऑफ दिस एम्प्लॉय इज़ वन हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेट आईडी किया, फिर गेट आईडी किया, तो ये एक तरीका हो गया इस चीज़ को करने का। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉय का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लो 2000 3000 चला जाता है, तब आप लोगों के लिए आइडियल होगा एक कंपनी का नाम लिख के उसके सारे एम्प्लॉयज़ को एक एरे में स्टोर करना। और वो चीज़ आप कर सकते हो कुछ इस तरह से, मान लो मैं ओन करता हूँ एक कंपनी जिसका नाम है FB। ठीक है, और मैं उस FB नामक कंपनी के 100 एम्प्लॉयज़ को एक एरे में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कुछ इस तरह से सिंटेक्स दे सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ चार स्टोर करना चाहता हूँ अभी, तो मैं यहाँ पर चार लिख दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा FB1, सॉरी FB0 डॉट गेट आईडी, और सबके लिए मैं गेट आईडी और सेट आईडी जो है रन कर दूंगा। और ये काम जो है मैं एक फॉर लूप के अंदर कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 4, जो भी साइज़ है मेरे एम्प्लॉई का। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये गेट आईडी और सेट आईडी सबके लिए रन कर सकता हूँ। ठीक है, ये कोड मैं हटा देता हूँ जो उसने पिट ने मुझे दिया है, और जहाँ 0 लिखा है वहाँ पर आई लिख देता हूँ। ठीक है, और सेमी कोलन तो लगाना आप गलती से सोते हुए भी मत भूलना। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया मैंने, और यहाँ पर मैं सेव करूँगा इसको। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो Employee 1 की आईडी इसने पूछी, और कह रहा आईडी ऑफ दिस एम्प्लॉयज़ 420832, जो कि एक गार्बेज वैल्यू है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर ओके, सो मैंने यहाँ पर उल्टा चला दिया फंक्शन, सेट आईडी पहले चलाना चाहिए था, गेट आईडी पहले चलाना, बाद में चलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं।
यहाँ पर मैंने वन किया तो कह रहा आई डी ऑफ दिस एम्प्लॉइज वन, टू किया तो टू, थ्री किया तो थ्री, फिर फोर किया तो फोर. तो बेसिकली चार इम्प्लॉइज़ मैंने यहाँ पर बना दिए हैं. और मैं क्या कर रहा हूँ गेट आई डी में, क्या कर रहा हूँ इनकी आई डी को सेट कर रहा हूँ, सेट आई डी में आई डी को सेट कर रहा हूँ, गेट आई डी में उसी आई डी को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है. और सेट आई डी में मैं सैलरी भी सेट कर रहा हूँ, तो सैलरी भी अगर आप लोग एक्सेस करेंगे किसी मेंबर के द्वारा तो कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान में आप लोग को रखना होगा. तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं, ठीक है. आप लोग समझ रहे होंगे कि एरे कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन जिस तरह एरे बनता था इंटीजर का, जिस तरह एरे बनता था हमारी किसी और डेटा टाइप का फ्लोट का, उसी तरह एरे बन रहा है यहाँ पर एम्प्लॉई. और एम्प्लॉई एक एक टाइप बन चुका है, एम्प्लॉई इंट की तरह होता है, क्लास का पॉइंट ही होता है. क्लास का मतलब ये है कि हम एक नया डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, एक कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं. जैसे इंट था वैसे एम्प्लॉई एक बन चुका है. इंट ए इज इक्वल टू टू लिखते थे, उसी तरह यहाँ पर एम्प्लॉई हैरी लिख देते हैं, या फिर एम्प्लॉई का एरे बना लेते हैं. तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. तो कहीं भी आप लोग एरे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के बने हुए तो आप लोग को वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और उसी के साथ साथ कभी भी आप लोग किसी भी एरे के किसी एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जिस तरह एरे में इंडेक्स लगाते हैं वैसे आप लोग लगा सकते हैं. ये हो गई एक बात. दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक फंक्शन को आप लोग एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें वैल्यू वगैरह लेनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बना के पब्लिक मेथड के अंदर उसको डाल सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को सैलरी इज इक्वल टू 122 किया है, तो सैलरी की वैल्यू 122 सेट हो गई है. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, और उस स्टैटिक मेथड को हम क्या कर सकते हैं, उस स्टैटिक मेथड को हम दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और वो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर हम एक नॉर्मल मेथड बना सकते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप आर्ग्यूमेंट पास करें किसी फंक्शन को वो इंट फ्लोट ही हो, वो एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरी कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. और ये काम कैसे किया जाता है ये देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं उसका नाम रखूँगा tut25b.cpp. और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड लगाकर एक क्लास लिखूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. और मैं यहाँ पर क्लास कॉम्प्लेक्स लिखूँगा और यहाँ पर इंट ए लिखूँगा और इंट बी लिखूँगा, ठीक है. और मैं यहाँ पर लिखूँगा void set data, और सेट डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा void ना लिखकर इंट v1 v2 कर दूँगा, v1 इंट v2, ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू v1 और b इज इक्वल टू v2, ठीक है. मैं इस तरह लिख दूँगा. और यहाँ पर सेट डेटा कर दिया मैंने, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं मेथड बनाऊँगा void और सेट डेटा बाय सम नाम से एक मैं मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर. और उसमें क्या होगा कि मैं कॉम्प्लेक्स क्लास के एक ऑब्जेक्ट लूँगा O1 और ये लेगा एक दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स क्लास का O2, ठीक है. अब इस बात का क्या मतलब है ये देख लेते हैं. मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली मैंने कहा है कि जो डेटा है उसको मैं सम की मदद से सेट करूँगा, और या फिर एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको O1 O2 ही कहता हूँ, इसका नाम चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है. फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू O1.a प्लस O2.a, ठीक है. सिमिलरली मैं b के लिए भी करूँगा कि जो b है मेरा वो हो जाए O2 का b, और यहाँ पर मैंने गलती कर दी, देखो नहीं गलती नहीं करी, बिल्कुल सही है, O1 का a और O2 का a, और O1 का b और O2 का b, ठीक है. तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ. मैं आपको पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद एकदम एक्सप्लेन करूँगा कैसे जा रहा है. तो एक क्लास लिखी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें एक सेट डेटा दिया या फिर एक ऑप्शनल दिया सेट डेटा बाय सम, ठीक है. तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा, एक तो C1, एक C2 और एक C3, ठीक है. मैं यहाँ पर सेट डेटा लिखूंगा, और ये रन क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, C1.setData रन क्यों नहीं हो रहा है, ओके मुझे ये सजेशन नहीं दे रहा फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं मालूम क्यों, बट मैं इसको 1 और 2 कर दूंगा, ठीक है. सिमिलरली C2 को मैं क्या कर दूंगा 3 और 4 कर दूंगा,
और इसको 4 कर दूंगा। और मैं यहाँ पर C3 में क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहा है कि फंक्शन कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर्ड लाइन इज़ इनएक्सेसिबल, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। ओके सो मैंने इसको पब्लिक करना था, और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है इसलिए इसको पब्लिक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ एक हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो वो चला गया, मैं लिखूँगा सेट डेटा बाय सम, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा C1 और C2, ठीक है। और मैं प्रिंट भी एक फंक्शन बना लेता हूँ इसके अंदर, प्रिंट नंबर नाम से एक बना लेता हूँ, और प्रिंट नंबर नाम से जो बनाऊँगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करके देगा, योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, और उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस आयोटा, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये आयोटा क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक टू डायमेंशनल वेक्टर की तरह आप लोग समझ लो कि 1 प्लस आयोटा 2 है या 1 प्लस आयोटा 3 है, तो वो 1 और 2 जो है वो 2 अलग अलग डायमेंशंस हैं और वो ऐड हो जाएगा। अब आप में से कई लोग सोचोगे यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम को अच्छी तरह समझाऊंगा, ये मैं आप लोगों को एश्योरिटी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, C1 डॉट प्रिंट नंबर रन कर दूँगा, ठीक है। और सबके लिए मैं प्रिंट नंबर रन कर देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो C2 के लिए भी रन करना पड़ेगा मुझे, और C3 के लिए भी रन करना पड़ेगा प्रिंट नंबर। और इस प्रोग्राम को अब मैं चलाऊँगा तो मुझे मिलना चाहिए, सबसे पहले तो 1 प्लस 2i मिल जाएगा, फिर 3 प्लस 4i मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का सम होकर 4 प्लस 6i मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो 1 प्लस i इंटू 2, और मुझे इनफैक्ट इसको 2i कर देना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा, बट दैट शुड बी फाइन यार बी। और उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख भी देता हूँ उसको तो सही है, चलेगा, ठीक है। तो वापस से रन करूँगा तो 1 प्लस 2i, 3 प्लस 4i। तो आप में से कई लोग सोचोगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपली बस ऐसा समझ लो एक ऐसा नंबर जिसकी ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है, 1 प्लस 2i को 3 प्लस 4i को जोड़ना है इन दोनों को, तब मैं 3 को 1 से जोड़ूंगा और 4 को 2 से जोड़ूंगा, बेसिकली ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचना क्या होता है अगर आप C++ आपकी जो मेन फोकस है वो है। तो अब इस प्रोग्राम पे वापस आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश यही करूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो ज़्यादा। तो एक कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई, उसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक तो ए और एक बी। ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं सेट डेटा फंक्शन रन करता हूँ, उसमें 2 इंटीजर्स पास करता हूँ, कहता हूँ कि V1 जो है वो मेरी A की वैल्यू के बराबर हो जाए और V2 जो है वो मेरी B की वैल्यू सेट हो जाए, ठीक है। तो ये सेट डेटा फंक्शन है जो कि A और B को असाइन कर देता है वो वैल्यूज़ जो कि मैंने सेट डेटा के थ्रू पास करी हैं। और सेट डेटा मैं रन कर सकता हूँ क्योंकि ये पब्लिक मेथड है, और A और B को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इसको पब्लिक बना के डायरेक्टली क्यों नहीं कर दिया .a.b, तो वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक दूसरा फंक्शन मैंने बनाया सेट डेटा बाय सम, उसमें मैंने कहा है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ दो। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते थे, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को चुना है। मैंने कहा कि जो ए की वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू है, वो बराबर हो जाए O1 की ए की वैल्यू और O2 की ए की वैल्यू, और जो बी की वैल्यू है वो बराबर हो जाए O1 की बी की वैल्यू प्लस O2 की बी की वैल्यू। यानी कि हम ए की वैल्यू उसको जोड़ दे रहे हैं और नए कॉम्प्लेक्स नंबर की ए की वैल्यू को उसके बराबर कर दे रहे हैं, और हम बी की वैल्यू उसको जोड़कर नए कॉम्प्लेक्स नंबर के बी को उसके बराबर कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक प्रिंट नंबर फंक्शन भी बना रहे हैं जो कि हमें मदद करेगा उस नंबर को प्रिंट करके देखने के लिए, और ये सिंपली ए प्लस बी और आई लगा देगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने ड्राइवर प्रोग्राम में क्या किया, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए। पहले का डेटा सेट किया हमने 1 और 2, उसको प्रिंट करके देखा 1 प्लस 2i प्रिंट हुआ। फिर हमने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, उसका डेटा सेट करके देखा 3 और 4, 3 प्लस 4i आया। फिर हमने उसको प्रिंट करके देखा तो हमें मिल गया 3 प्लस 4i, और सेट डेटा 3 और 4 से क्या हुआ कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 हो गई C2 ऑब्जेक्ट के लिए।
फिर हमने C3 ऑब्जेक्ट के लिए सेट डेटा ना यूज़ करके सेट डेटा बाय सम यूज़ किया, यानी कि हम C3 के A और B को C1 और C2 के सम के बराबर करना चाहते हैं। और ये जब हमने किया तब हमको क्या रिजल्ट मिला, हमको मिला, एक मिनट इसको मैं रन करता हूँ। कभी भी आप सेलेक्ट करके किसी चीज़ को रन ना करें, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर रन करें, आपको एरर नहीं मिलेगा। तो 1+2i, 3+4i, 4+6i, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं अपने किसी भी क्लास के मेथड को, और वह एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जिस तरह से हम लोग किसी भी इंटीजर को पास करते हैं या किसी भी फ्लोट को पास करते हैं, वो काम करता है, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये दोनों प्रोग्राम्स आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में डालकर, और उसी के साथ साथ अगर ये प्लेलिस्ट आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। सो आई होप कि आप लोग को सब चीज़ें क्लियर होंगी और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।